जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि डाइट्री कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। ये लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि इनएक्टिविटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, पुअर डाइट, एज एंड जेनेटिक्स। हम एज और जेनेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स हम हमारी लाइफस्टाइल को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी, आप अपने डेली एक्टिविटी में एटलीस्ट 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कीजिए, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 बार करिए, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का इंक्रीज होगा, वो हेल्प करेगा हमारे एचडीएल को इंक्रीज करने में और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने में। ऑल्सो नंबर 2 वो है स्लीप पैटर्न। हम जितना स्लीप करेंगे उतना वो हमारे बॉडी के लिए बेटर रहेगा। स्लीप से विटामिन डी सिंथेसिस बेटर होता है, वो हेल्प करता है अगेन एचडीएल को इंक्रीज करने में और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने में। अगर विटामिन डी सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारे थायराइड फंक्शन को भी वो हैम्पर करता है। कई बार आप देखेंगे बहुत हेल्दी इंडिविजुअल में भी कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड प्रोफाइल बहुत ही खराब होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वह है कि थायराइड डिसफंक्शन। सो अगर आप स्लीप और अपने एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं तो अपने लिपिड प्रोफाइल यानी कि एचडीएल को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने वीएलडीएल यानी कि ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बाकी सब डिटेल प्लीज रीड माई कैप्शन बिलो फॉर डाइट, वॉच फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड नर्चर योर हेल्थ।